आदिवासियों के हितों के लिए गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने मोर्चा खोला। नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी चित्रकूट के खिलाफ जन समस्याओं को लेकर गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने सैकड़ों आदिवासी गरीब असहाय निर्धन महिलाओं को साथ लेकर नगर पंचायत परिसर नया गांव चित्रकूट का घेराव करते हुए उन जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने मौकमगढ़, बिरहा, शीत, पुरवा, धरपहाड़ और पड़ा आदि दर्जनों गांव में जा जाकर जन समस्याएं सुनी थी। जनहित के हितों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमाकांत शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही समस्याओं को शीघ्र निस्तारण की चेतावनी भी दी। नगर पालिका अध्यक्ष के गायब रहने पर भी तरह तरह की चर्चाएं समाज में फैल रही थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी चित्रकूट रमाकांत शुक्ला ने मांगों को उचित ठहराया, साथ ही नगर पंचायत की कमियों को स्वीकार किया और शीघ्र सर्वे कराकर निष्पक्ष रूप से पात्र लाभार्थियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिए जाने का आश्वासन दिलाया। तभी सैकड़ों आदिवासी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग का क्रोध और गुस्सा शांत हुआ। नगर पालिका परिषद चित्रकूट में विभिन्न प्रकार के पानी, शौचालय, गरीब असहायों को प्राप्त होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड आदि के विभिन्न प्रकार की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने घेराव किया और जब तक इन गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त होता तब तक इससे भी भयंकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। कोई गलत नहीं होती, लेकिन ये जो गलत नेता चुनके धोखा से कुछ ऐसे दलाल पार्टियों में बैठे होते हैं जो टिकट को बेच लेते हैं, तो ये बिकाऊ लोगों को हम औकात बता देंगे। बताओगी ना? रवि गैंग, ये बिकाऊ जी सरकार है। हाँ, तो मेरा बेटा गलत करे तो मैं अपने बेटा की पीठ थपथपाऊं। आप दो दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। मैं दो दिन से नहीं कर रही, अपने उसको आला कमान को, मैं आला कमान के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो खाने गरीबों के चक्कर में है। आला कमान की गरीबों की जरूरत होगी तो गरीबों का काम होगा। मेरा बेटा 5 साल प्रधान था और मैंने कहा मैं एक तेरी गलती नहीं दे सकती, नहीं तुझे जेल भेज दूंगी। अगर अपनी पार्टी की कोई वाहवाही करे गरीबों के साथ, सारे हम अत्याचार हो, यही हमारा दायित्व, यही हमारा धर्म। वोट दे के अपना बेकार कर रहे हैं लोग, कांग्रेस को वोट दे के अच्छा कर रहे हैं लेकिन नीलांशु को वोट दे के गलत किया। नीलांशु को वोट दे के गलत किया, आप किया, किया। आप महसूस करती हैं? मैं महसूस कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को हमें ऐसे किनारे में बैठा देना चाहिए। आप यह मांग हाई कमान के समक्ष, हाई कमान खूब देखा थे, हाई कमान का खूब देखा थे कि आज 3-4 दिन से क्या हो रहा। अच्छा, क्या समस्या, मूलभूत समस्या क्या? हाई कमान कमल ना तो अपन कुर्सी बचाओ के खातिर कोहू के ऊपर उंगली नहीं बिचारा उठाओ। इनकी क्या समस्या है, मूलभूत समस्या क्या है? इनकी बिजली, पानी, कॉलोनी आदिवासी है, इनका भरपेट भोजन का गल्ला भी नहीं मिलता। वो डिजिटल इंडिया मोदी जी ने बना दिया ना, यहाँ पढ़े लिखे है ही नहीं है, डिजिटल इंडिया चला रहे हैं। तो यस, प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी दिल्ली में अपनी पीठ थपथपाता है ना, तो वे कहाँ जा रहा है? अगर मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ना तो हम इनका जीना हराम कर देंगे, और क्या कर सकते हैं भाई। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती। आज आप यहाँ समाज सेवी के तौर पे आई हैं कि आज राजनीतिक पार्टी की बेस पे आई हैं? राजनीति कह का कहा थी समाज नीत को, जब वो समाज से जुड़ गए वही तो राजनीति है, है? लेकिन वो नहीं है कि राजनीति करानीत, ऐसा नहीं होता। राजनीति टाइटल बन चुका है, राजनेता जो गरीबों को चुन के आते हैं वो केवल समाज सेवा के। ये मिशन, ये मिशन आपका कब तक जारी रहेगा? मेरा मिशन तो हर हमेशा जारी ही रहता है और जहाँ मैं पहुँच जाती हूँ वो गरीब दिखाई देते हैं, मैं उनके लिए करती हूँ। क्या नाम है गुड़िया जी? ये बताइए क्या समस्या है आपकी गांव में? हमारे यहाँ केवल वोट मांगने जाते हैं और जब वोट पा जाते हैं, चाहे दादू हो चाहे जो कोई भी हो, जब वोट पा जाते हैं तो हमारे भारत भी चेक कोई मर रहा है तो कैसे